हे हाय दोस्तों, मेरा नाम है राज और मैं आज आपके आगे फिर से पेश हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ लेकर के। ये एक बहुत ही खूबसूरत और मोटिवेटिंग पोएम है जो कि आपको लाइफ में हमेशा मोटिवेट करेगी आपका लक्ष्य पाने के लिए। दोस्तों, अक्सर होता है कि हम लोग लाइफ में कुछ गोल सेट करते हैं और उन गोल्स को कई बार हम लोग पा लेते हैं और कई बार उन्हें अचीव करते हुए हम लोगों को कुछ असफलताओं का मुंह देखना पड़ता है। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम लोग फिर से प्रयास नहीं करेंगे। हमें तब तक प्रयास करना चाहिए जब तक हमें वो लक्ष्य ना मिल जाए। हमें हमेशा अपनी मोर्टेलिटी को चैलेंज करना चाहिए ताकि हमें सफलता मिलके ही रहे। तो अगर कभी भी हमें असफलताओं का मुंह देखना पड़ता है तो हम लोग कई बार कोशिश करते हैं कि नहीं, अब और ट्राई नहीं करेंगे, अब हमारे बस की बात नहीं है। लेकिन ये कोई सॉल्यूशन नहीं है। हमें ज़रूरत है कि हमेशा हम अपने आप को ना मोटिवेटेड रखें। वी नीड टू कीप आवर सेल्व मोटिवेटेड ऑलवेज। दिस इज़ द ओनली की थिंग बाय विच वी कैन गेट सक्सेस। तो कभी भी आप लाइफ में डीमोटिवेटेड फील करें तो हरिवंश राय बच्चन की इस पोएम को जरूर पढ़ लें एक बार, जो कि इस तरह है। वृक्ष हो भले खड़े, हो घने हो बड़े, एक पत्र छाह भी मांग मत, मांग मत, मांग मत। अग्निपथ, अग्निपथ, अग्निपथ। तू ना थकेगा कभी, तू ना थमेगा कभी, तू ना मुड़ेगा कभी। कर शपथ, कर शपथ, कर शपथ। अग्निपथ, अग्निपथ, अग्निपथ। यह महान दृश्य है, चल रहा मनुष्य है, अश्रु स्वेद रक्त से लथपथ, लथपथ, लथपथ। अग्निपथ, अग्निपथ, अग्निपथ। दोस्तों, ये पोएम थी अग्निपथ श्री हरिवंश राय बच्चन जी की, जो कि इस सदी के महानायक अमिताभ बच्चन के पिताजी हैं। कुछ समय पहले उनका स्वर्गवास हो गया, हमें खेद है इस बात का। लेकिन स्वर्गवास से पहले हमें उन्होंने इस तरह की बहुत सी और भी कविताएं दी हैं जिसे हम लोग पढ़ के अपने आप को मोटिवेटेड रख सकते हैं ताकि हम अपने लक्ष्य की ओर हमेशा अग्रसर रहें, उसे पाने की कोशिश करें। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा ये एक छोटा सा प्रयास पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए ताकि मैं आगे भी आप लोगों के लिए ऐसी मोटिवेटिंग पोएम्स, स्टडी टिप्स, सीक्रेट्स आपके साथ शेयर करता रहूँ। सो प्लीज़ गाइस, नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर ज़रूर क्लिक कीजिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ Don't forget to subscribe. Thank you.